राम है प्राइवेट मास्टर ने, प्राइवेट स्कूल का मैं पढ़ाने वाला मास्टर ना स्कूल बदलना महंगो पड़ गयो। सब अपना पेट खातर करे, स्कूल जिस मालिक ने करा के उसने भी अपना पेट खातर करा के, तो दो आना जो फालतू देखो। हालांकि मास्टर तो उड़ाई जागो कोई भी आदमी हो चाहे, उसने जो ही स्कूल बदले हो उसने मौत का सामना करना पड़े। आखिर में इतना मतलब प्रेशर डाल दियो कि उसने मरना मंजूर समझो। ठीक है, तो वीडियो देखो, वीडियो एक बार शेयर करी। उस भाई की आत्मा ने, उस भाई की आत्मा ने परमात्मा तो शांति दे और इंसाफ दिलाए भाई। वो तो भगवान ने प्यारो हो गयो, लेकिन उसने इंसाफ दिलाओ भाई। और वीडियो के माध्यम से सपोर्ट करो। महाराज जी का बहुत बड़ा अनुभव है, महाराज जी का बहुत बड़ा अनुभव है। कई हमारे वकील साथी हैं, हम आपकी स्लिपा पोती से मानने वाले नहीं है। सारे भाई यही बैठ जाओ यही सारे। अब चार से गिरफ्तारी नहीं होगी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, वकील साहब मैं बच्चे के बारे में बताना चाहता हूँ। महाराज जी को बोलने दो, मैं 2004 में ढाणा आश्रम, अरे ये कोई सुना करो, 2004 में ढाणा आश्रम, उस बच्चे के जो 26 वर्ष, वो बच्चा 2000 अरे भाई तमकाल मत, ये चीज का थोड़ी क्यों नहीं रुको सविता बेटा तू बता ना, मैं जाता हूं हमने भी आपको एक बार हम वो कर रहे थे, वो बोल रहा था कौन सा जवान था। मैं एक बार एक मिनट मास्टर जी बात, मास्टर जी ने ऐसे तो घर में बताना चाहता था उस बच्चे के विषय में। आप बताओ सर, ढाणा आश्रम में वो बच्चा दो हजार अभी तक अपने में से कोई ना बोले हफ्ते में दो बजे आता था, तीन बजे सबने पांच बजे हम लेते थे रात दिन, जो भी साधु थे वहाँ दो चार पाँच उनको भोजन बना के फिर और महीने में लगभग मैं काम गवाया, मैं गवा नहीं हूँ, 12-13 गांव गवाए आने जाने वाले आदमी, 25 दिन आश्रम भी रहता था। उसी का एक सगा भाई अभी भी 8 साल से आश्रम रहता है। ये कोई भी आदमी प्रूव कर दिया आज तक कि वो बच्चा किसी आदमी गलत बोला, गाली दी, अब सबक बोला, हम वो आदमी मैं नहीं जानता हूँ, तो उस बच्चे को उसकी माँ भी नहीं जानती होगी, उसने जन्म दिया वो भी नहीं जानती। और इसीलिए मेरा आज 11 बजे का फ्लाइट था, 11:55 का, मैंने इनको कहा था
इसीलिए मैं वहां से कलकत्ता से गुवाहाटी गया, गुवाहाटी से मैंने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ के मैं पहुंचा। सिर्फ सिर्फ एक ही बात है, कोई मुद्दा नहीं है, 1% भी किसी प्राणी को मनुष्य को परेशान नहीं करना चाहते, उनकी गिरफ्तारी चाहिए, वो पुलिस प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चाहे सतनारी करे, चाहे भिवानी करे, चाहे DG साहब करवाए, चाहे IG साहब करवाए, कोई करवाए, बस सिर्फ और सिर्फ एक ही बात, गिरफ्तारी। वो भी शांति भी, अगर कोई भी बच्चा, वो हमने नहीं पता, हम नहीं जानते कौन मुलाजिम है, वो सुसाइड नोट में नाम है, कुछ नहीं जानते हम, इतनी ज्यादा ज्ञान होकर बैठ जाए, जो भी सुसाइड नोट में लिखा है वह गिरफ्तार होने चाहिए, उसके पहले हम यहाँ से नहीं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। जी देखो, जो सुसाइड नोट वगैरह था वो सारी चीजों पे प्रूफ पर तैयार था, जो बिल्कुल यहाँ संतुष्टि नहीं हुई परिजनों की, तो PGI की डिमांड कर रहा हूं आप। एक मिनट आप बोलो, मैं उस विषय का, मैं शाम ने 10 बजे में लेकर के ने, और मैं ठीक 5:30 बजे तक बराबर फोन पर रहा हूँ, मेरी फोन रिकॉर्डिंग करवाओ, कितनी बार मेरे फोन में 150 रुपए 200 रुपए उन्होंने मना कर दिया था कि महेंद्रगढ़ से बाहर डेडबॉडी नहीं जाएगी, और मेरे को बच्चों ने फोन किया, फिर मैंने महंत बालकनाथ जी से बात की, SP साहब से बालकनाथ जी ने फोन किया, रणबीर DSP से मेरी बात हुई कि भाई क्यों नहीं हो सकता PGI रोहतक में इसका हमारे तो बताओ। SHO साहब ने सर मना कर दिया था, बिल्कुल मना कर दिया था। SHO साहब ने बिल्कुल कहा कि तुम्हारी क्या ताकत है और तुम कैसे ले जा सकते हो, बिल्कुल नहीं होगा, महेंद्रगढ़ में ही होगा, तो महेंद्रगढ़ में होगा तो इसका रीजन क्या है हमारे को ये बताया जाए। नहीं तो पुलिस ने कहा भाई हम बच्चा गए आज 25 साल का, हम तुम्हारे साथ हैं, तारो जी करे तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ करवा लो, हम आपके साथ हैं, क्यों मना किया उन्होंने, इसका मतलब उसमें कहीं कहीं शक तो यहीं से शुरू हो गया, शक शुरू होता है, हो सकता है झूठा हो लेकिन हमारे को सब होगा नहीं होगा, परिवार भी कैसे है। उसके बाद भी हमने 2 गांवों की पंचायत की परमिशन दी है ना, तब हमने मंजूरी दी है, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, आप बैठो महाराज जी, महाराज जी बैठो, आप बैठो, बैठ जाओ भाई, गुरु जी बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ रे, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, मन मानो कड़ा मानो, एक आपका मुलाजिम है, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, इन्वेस्टिगेशन जब सुसाइड नोट आ गया, ऑडियो वीडियो वायरल हो रही, और वो आदमी का खुद का वो बयान है कि उसने बताया, सर आप मना नहीं करते, उसको आप झूठा गिरफ्तार करते हो, फिर मारी सजा कर दी, छोड़ दिया और तो दोषी तो बच्चा मर रहा है, हमारा कोई दिक्कत को नहीं, आप 400 आदमी लेके यहाँ आए उसको नहीं कह सकता क्या है वो इतना बड़ा है। मैं कहीं भी आज तक आंदोलन में 55 साल की उम्र में शामिल नहीं हुआ हूँ, लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी है, मेरे 13 गांव नाराज भी हुए, जिसके तुम्हारे प्रशासन के जो आदमी यहाँ खड़े मेरी आँख मिलेंगे तो, मेरे से 13 गांव नाराज भी हुए कि बाबा जी सारी दुनिया आंदोलन में जाती है आप क्यों नहीं जाते, मैं कहा मेरा काम आंदोलन करने का है, मेरा काम रोटी मांग के भाव आरती करने का, लेकिन इस बच्चे ने मेरे साल मेरे आश्रम में 15 साल दिए, किसी भी हद तक उतर सकता हूँ, किसी भी हद तक इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, 15 साल इसने मेरे झाड़ू निकाली, मेरे को रोटियां बना बना खिलाई, कपड़े धोए, कौन नहीं निकालने दे रहा, मास्टर जी ये सॉरी, मास्टर जी सॉरी, आप बैठ जाओ, देखो SHO साहब ये आप गलत कर रहे हो, बॉडी आराम से उतारने दो, इज्जत से, तो यहाँ मेरा तो एक प्रार्थना थी, आपके अपमान उनको बता दे, आप 15 साल उसको
Gracias.